हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजत फ्रॉम रजत क्रिएटर्स और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एसआरएलएम से रिलेटेड विज्ञप्ति के बारे में। यह वैकेंसी लॉकडाउन से पहले निकली थी, जैसा आपको पता भी होगा जिन्होंने ये फार्म भरा था, परंतु अभी लॉकडाउन चल रहे हैं तो इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई है, जैसे कि शॉर्टलिस्टेड वगैरह या एडमिट कार्ड वगैरह। परंतु मैं इस वीडियो में आपको यूपी एसआरएलएम से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी साझा करूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियो बना सकूं। यूपी एसआरएलएम द्वारा 2020-2021 सत्र के लिए न्यू इंटेंसिव ब्लॉक की लिस्ट जारी की गई है, जैसा आप लेटर में देख पा रहे हैं। मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूँ। यह लेटर 28 अप्रैल 2020 का है। इसमें जो जानकारी लिखी है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कृपया सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित इकाई कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण मिशन की वित्तीय वर्ष 2021-2020 की वार्षिक कार्य योजना कार्य पत्रांक दिनांक 11-31 मार्च 2020 द्वारा अनुमोदित कर प्रेषित किया गया। उक्त अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार प्रेक्षक प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में उक्त राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 592 विकास खंडों में इंसेंटिव रूप से कार्य किया जाएगा। उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों के 592 विकास खंडों की सूची, जहां उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत इंसेंटिव रूप में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कार्य किया जाएगा, पत्र के साथ संलग्न कर आपके सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है। इस पत्रांक के माध्यम से यूपी एसआरएलएम ने जिलेवार न्यू इंटेंसिव ब्लॉक जो 2020-21 के लिए इंसेंटिव हुए हैं उनकी सूची भी जारी की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पढ़ सकते हैं आप ताकि आपको पता चल जाएगा कि यूपी में आपके ज़िले में कौन सा ब्लॉक 2020-2021 के लिए इंटेंसिव हुआ है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के तुरंत बाद इसमें शॉर्टलिस्ट का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।